पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है वो गुंडों का राज है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 25 दिनों से मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर एक पीड़िता अब न्याय के लिए भटक रही है और पिछले 25 दिनों से लगातार धरना दे रही है, इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि एक मां को अपनी बच्ची की बरामदगी के लिए लगातार धरने पर बैठना पड़ रहा है। उसके साथ ही सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार चला रही है। तो वहीं उन्होंने गत दिनों कटघरे क्षेत्र में हुए एक मामले पर बोलते हुए कहा कि एक मां के द्वारा प्रताड़ित होकर अपने बच्चों के गले पर छुरी चला दी गई, जो वाकई में शर्मनाक है, लेकिन इसकी वजह फर्म स्वामी है। उन्होंने कहा कि फर्म स्वामी के द्वारा उसके पति को पैसे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर महिला ने ऐसा कदम उठाया। प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि एक जनवरी में गायब हुई कन्या, नाबालिग कन्या, 13 वर्ष की उम्र है उसकी, और अभी तक पुलिस और प्रशासन उसमें कुछ भी नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। और वो बेचारा गरीब परिवार जनवरी से, अभी एक महीने से तो मैं समझता हूँ वो धरने प्रदर्शन पे है एसएसपी कार्यालय के बाहर, और अभी तक वह कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, बच्ची का कोई अता पता नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है, दुखद है, और पुलिस पे सीधा सवालिया निशान है। और इसमें मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी चूक है। ये तो उन तक भी ज्ञापन पहुँच गए हैं, कई मैंने हमारे संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं, यहाँ पे क्षत्रिय महासभा ने ज्ञापन दिया है, हिंदू महासभा ने ज्ञापन दिया है, तो मुख्यमंत्री तक बात पहुँच गई है। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, तो इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा कि इसमें तुरंत कप्तान साहब से अपील करूँगा कि प्रायोरिटी के बेस पर उस लड़की की बरामदगी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा संगठन भी खुलेआम इस पे आएगा और जल्दी ही हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और उनके समर्थन में ज्ञापन देगा। तो ये गलत है, और सबसे बड़ा दुख मुझे ये भी है कि हमारे यहाँ के माननीय जो बैठे हैं, माननीय नगर विधायक हैं, एमपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, आज की तारीख तक एक भी नेता उनके समर्थन में नहीं गया है, ना ही उनका कोई डायलॉग आया है। भाई जनप्रतिनिधि आप हैं तो कम से कम जनता के, जो आम जनता की समस्याएं हैं उन्हें उठाओ तो सही, ये नहीं होना चाहिए, बेहद दुखद है। तो हम तो ये अपील करते हैं माननीय कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, कि इसमें हस्तक्षेप करके तत्काल इस बच्ची को बरामद किया जाए। मुझे जो नज़र आया वो सरकार के लेवल से कमी नज़र आई, वो इसलिए कि एक फैक्ट्री के मालिक ने एक ठेकेदार को पेमेंट नहीं करी, और उस पेमेंट की कमी की वजह से, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला जहां वो काम करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को, जो कि स्वाभाविक है एक महिला का कि उसने साड़ी खरीदने की जिद करी और वो नहीं दिला पाया अपने बच्चों को। तो ये दुखद है कि ये नौबत आई कि एक माँ जो कि अपने कलेजे के टुकड़ा समझती है अपने बच्चे को, और होता ही है इस धरती पर, कोई माँ अपने बच्चे के गले पर छुरा नहीं चला सकती, वो क्या परिस्थिति रही कि उस बेचारी महिला को अपने बच्चे के गले पे छुरा चलाना पड़ा। ये गवर्नमेंट के फेलियर होने का एक सीधा साधा उदाहरण मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी गरीबी हमारे देश में आ गई है नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, और जो ये लॉकडाउन लगा एट्रेंडम इसके बाद, कि मजदूरों की ये हालत है कि एक माँ अपने बच्चे को, उसका गला रेत रही है। किस वजह से रेत रही है? क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर है, उन्हें काम करने के बदले में पैसे नहीं मिल रहे, और वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, इसलिए वो क्रोधित हो गई, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सरकार पे एक सवालिया निशान है। एक तरफ तो राशन बांट रहे हैं मोदी जी की 24 घंटे तस्वीरें इसी पे ही चल रही हैं कि मुफ्त राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी भी हम इतने परिवारों को पाल रहे हैं, और तीसरी तरफ माए बच्चों को गले रेत रही हैं गरीबी की वजह से, भोजन ना मिलने की वजह से, कपड़ा ना मिलने की वजह से, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान सबसे बेसिक चीज़ें हैं, और जिस देश में उसकी कमी से ऐसे ऐसे कांड होने लगे, तो ये सरकार पे सवालिया निशान खुलेआम है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस समय लोकतंत्र तो है ही नहीं, सरकार का ध्यान कतई नहीं है पब्लिक की तरफ, सिर्फ केंद्र और
राज्य सरकार दोनों का ध्यान बड़े लोगों की तरफ है। रोज पेपर इस बात से, मैं कल पेपर पढ़ रहा था, जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो रोज़ फटकार लगाते हैं केंद्र और राज्य सरकार को किसी न किसी मामले पे। ये मैं समझता हूँ आज़ादी के पहली बार बात हुआ है कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फटकार लगा रही सरकार को कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, और उसके बाद भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत दुखद है, इन्हें अपनी आँख खोलनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।